हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2019 और यह हमारी 72वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में 28वां ग्रेमी अवार्ड किसने जीता है? तो यह अवार्ड क्विंसी जोन्स ने जीता है। तो सही ऑप्शन है क्विंसी जोन्स। ये एक अमेरिकी संगीतकार हैं और इन्होंने अपनी ही डॉक्यूमेंट्री क्विंसी के लिए यह अवार्ड हासिल किया है। तो 28वां ग्रेमी अवार्ड क्विंसी जोन्स ने जीता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यह वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो सही ऑप्शन है उत्तराखंड। आपको पता है उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बादल फटते हैं, तो ये वेधशाला इन बादल फटने का पूर्वानुमान लगाएगी। तो हिमालयन क्लाउड वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो मैप में आपको उत्तराखंड के बारे में बता दें, ये जगह है उत्तराखंड को दर्शाती है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस राज्य में अरुंधति योजना शुरू की गई है? तो यह योजना असम में शुरू की गई है। तो सही ऑप्शन है असम। इस योजना के तहत राज्य सरकार गरीब लड़कियों को शादी में 10 ग्राम सोना प्रदान करेगी। तो अरुंधति योजना असम में शुरू की गई है। तो मैप में आपको असम के बारे में बता दें, ये जगह है असम को दर्शाती है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। असम की गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हैं सदानंद सोनीवाल और असम की राजधानी है दिसपुर। तो इतना आपको असम के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में वार्षिक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस सम्मेलन का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। तो सही ऑप्शन है यूएई। इस आयोजन की में 140 देशों की लगभग 4000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में फ्यूचर से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों पर फोकस किया जाएगा। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यूएई में किया जा रहा है। तो मैप में आपको यूएई के बारे में बता दें, ये जगह है यूएई को दर्शाती है। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात होता है और राजधानी है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है दिरहम और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जयद अल नहयान। तो इतना आपको यूएई के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य ने सारथी संदेश वाहिनी को हरी झंडी प्रदान की है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारथी संदेश वाहिनी योजना को हरी झंडी प्रदान की है। यह एक संदेश वाहन यान है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन अभियान चलाएगा। अब ये वाहिनी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो मैप में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें, ये जगह है उत्तर प्रदेश को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नाईक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान देश को समर्पित किया है? तो यह कैंसर संस्थान राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान देश को समर्पित किया। इस संस्थान की स्थापना हरियाणा के झज्जर में की गई है। इस संस्थान को बनाने में 2035 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह संस्थान कैंसर के रोकथाम निदान और उपचार आदि के लिए कार्य करेगा। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया है? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राजा कृष्ण द्वितीय ने बनवाया है। तो सही ऑप्शन है राजा कृष्ण द्वितीय। ये राष्ट्रकूट वंशज हैं। एलोरा की चट्टानों में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
अजंता और एलोरा की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है कैलाश नाथ मंदिर भी एलोरा में ही स्थित है और इसको बनवाया था राजा कृष्ण द्वितीय ने जो राष्ट्रकूट वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सामरिक पेट्रोलियम भंडारण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इस सामरिक पेट्रोलियम भंडारण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह एक कृत्रिम भूमिगत कक्ष है यानी स्टोरेज प्वाइंट है जो कच्चे तेल का स्टोरेज करेगा। इसमें तेल भंडारण किया जाएगा और इसकी भंडारण क्षमता होगी 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। ये आपको याद रखना है सामरिक पेट्रोलियम भंडारण की जो क्षमता होगी वह 2.5 मिलियन मैट्रिक टन होगी और इसे आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। तो मैप में आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें, ये जगह है आंध्र प्रदेश को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। 2014 में आंध्र प्रदेश को या तेलंगाना को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो मध्य प्रदेश में 0 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो सही ऑप्शन है 0, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन है 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा और ये जिले हैं उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। आपको एक बार फिर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है और ये जिले हैं उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो आपको इतना कर्क रेखा के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये संधि नहीं समाधि है। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश के चंदेरी में है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के चंदेरी में प्रख्यात संगीतकार बैजू बावरा की जो समाधि स्थित है, इनका निधन 1610 में हुआ था। तो आपको इतना चंदेरी के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं और पहला है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आपको मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इनके नाम है उज्जैन के महाकालेश्वर और खंडवा के ओमकारेश्वर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।